हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन पे यानी गुरुपुरब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ हद तक अगर हम बात करें, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें पार्ट 1, और इसके बाद डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो दोनों ही हमने उठाए हुए हैं अपने ऑनलाइन बैच के वीडियो से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन अगर आप लास्ट टाइम के पेपरों से देखो तो काफ़ी टाइम रिपीट हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ थ्योरीज़ के बारे में पब्लिक फाइनेंस के, जैसे वैगनर्स थ्योरी होगी, पीकॉक वाइसमैन एंड कॉलिन क्लार्क हाइपोथेसिस। तो कोशिश करना कि इसमें से कुछ मिस ना हो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं अपने आप में ही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो नंबर 1 थ्योरी है यहाँ पे एडोल्फ वैगनर्स थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सो अब इन जो जितने भी थ्योरीज हैं, इनमें जस्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं, और ये सिर्फ इनमें से काफ़ी डीप नहीं पूछा है, इनमें से कुछ ओवरऑल ही पूछा है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो यही हम स्टडी करेंगे आज। सो नंबर 1, एडोल्फ वैगनर्स हाइपोथेसिस। सो एडोल्फ वैगनर्स नोटेड जर्मन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, प्रोपाउंडेड एन एम्पेरिकल लॉ टू एनालाइजिस एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। बस यही बात है, और इनकी थ्योरी भी यही कहेगी पूरे वीडियो में, मतलब जो पूरा टॉपिक है इसका, वैगनर्स का, ये यही बात कहेगा, दैट इज़ द ट्रेंड इन ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर का ग्रोथ। सो ये थ्योरी उन्होंने दी थी 1880 में। एंड वैगनर्स आर्ग्यूड दैट फंक्शनल रिलेशनशिप, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द ग्रोथ ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी एंड द रिलेटिव ग्रोथ ऑफ इट्स पब्लिक सेक्टर। तो ये पॉइंट इसका मेन थ्रस्ट है। सो दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमी एंड रिलेटिव ग्रोथ ऑफ इट्स पब्लिक सेक्टर। तो मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल, जैसे ही यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजिंग ग्रोथ होगा तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी ग्रो करेगा, मतलब दोनों एक साथ पॉजिटिव वे में इंक्रीज करेंगे, मतलब इंप्रूव करेंगे। सो देर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो एक फंक्शनल रिलेशनशिप है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर का। एंड अकॉर्डिंग टू वैगनर्स, रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर इज़ एन इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमी। अभी कह रहा है इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमी मेनली डिपेंड करती है ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर पे। तो गवर्नमेंट सेक्टर इंप्रूव करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसके साथ साथ ही इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। एंड ही कम्स टू द कंक्लूजन दैट एज पर कैपिटा इनकम एंड आउटपुट इंक्रीजेस इन इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशन, द पब्लिक सेक्टर ऑफ दीज नेशंस नेसेसरी ग्रो एज अ प्रपोर्शन ऑफ टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगेन ये बात वही कह रहे हैं, पर कैपिटा इनकम आउटपुट इंक्रीज होगा तो इंडस्ट्रियलाइज, तो पब्लिक सेक्टर भी ग्रो कर रहा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोपोर्शनली टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ग्रो कर रही हैं। तो इन सब का एक, अगर हम कहें, एक पॉजिटिव रिलेशन है, दैट इज़ इन दोनों का। सो हिज ऑब्जर्वेशंस लेड टू दी वट इज़ नाउ कॉल्ड एज वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम डायरेक्टली बात करें इसको हम बोलेंगे वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। अब स्टेट एक्टिविटी क्या है? गवर्नमेंट की एक्टिविटीज, दैट इज पब्लिक सेक्टर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस कॉन्स्टेंटली एज इनकम ग्रोथ एक्सपेंड। सो जैसे जैसे आपका इनकम एक्सपेंड होगा, वैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर भी, दैट इज वो भी एक्सपेंड होगा। सो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल रिलेशन हो गया अगेन, पब्लिक एक्सपेंडिचर और इनकम ग्रोथ का। एंड स्टेटमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस, स्टेटमेंट क्या कहती है? ये ऑब्जर्व की गई है इन्होंने, इकोनॉमी को ऑब्जर्व किया है जर्मनी की। एंड वैगनर्स ऑब्जर्व दैट देयर वॉज अ परसिस्टेंट टेंडेंसी टूवर्ड एन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव इंक्रीज इन द फंक्शन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट की दो चीज़ें, एक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव फंक्शन क्या है। सो नंबर 1 है यहाँ पे इंटेंसिव इंक्रीज,
सो इट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल. अब ट्रेडिशनल फंक्शन में आते हैं यहाँ पे जो चीज़ ट्रेडिशनली ग्रो करती हैं, लाइक अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के तौर पे, लाइक हम बात करें डिफेंस, डिफेंस हो गया, या फिर और भी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं लॉ एंड ऑर्डर वगैरह ट्रेडिशनल फंक्शन से. और दूसरी बात है एक्सटेंसिव इंक्रीज़, और एक्सटेंसिव इंक्रीज रिलेटेड है कवरेज ऑफ न्यू वेलफेयर फंक्शन से. तो एक्सटेंसिव का रिलेशन है यहाँ पे न्यू वेलफेयर फंक्शन, और इंटेंसिव का यहाँ पे मतलब है ट्रेडिशन से, दैट इज़ ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ द स्टेट. सो इट इज़ फैक्ट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री ऑलवेज बीन अकम्पनीड बाय इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी एंड हैंस इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर. अब अगेन इसने एक रिलेशन बना दिया कि दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री किसके साथ अकम्पनीड है, दैट इज़ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ के साथ. और अगर स्टेट एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा. एंड उसके बाद वैगनर्स कहते हैं कि जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है उसके तीन रीज़न है, दैट इज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड ड्यू टू थ्री रीजन्स. नंबर वन रीज़न है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल फंक्शन. अब देखो ट्रेडिशनल फंक्शन क्या क्या आता है, तो इन चीज़ों का एक्सपेंशन होना चाहिए. ट्रेडिशनल फंक्शन दैट इज़ डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, एंड प्रोविजन ऑफ सोशल ओवरहेड्स, मतलब जो गवर्नमेंट की जितने भी खर्चे, तो ये चीज़ें आती हैं दैट इज़ ट्रेडिशनल में, तो इनका एक्सपेंशन होना चाहिए. और द कवरेज ऑफ वराइटी ऑफ सच फंक्शंस हैव ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, तो ये चीज़ें ग्रेजुअली इंक्रीज होनी चाहिए. दूसरा है कवरेज ऑफ न्यू फंक्शन. अगर हम बात करें न्यू वेलफेयर फंक्शन, तो ये वही बात है जो हमने एक्सटेंसिव में किया था, तो इसका तो जुड़ा हुआ है एक्सटेंसिव से, और इसका रिलेशन है दैट इज़ इंटेंसिव से. सो यहाँ पे एक्सटेंसिव फंक्शन में क्या कहता है, वो कवरेज ऑफ न्यू वेलफेयर फंक्शंस. सो सेकेंडली द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट वर इंक्रीजिंग देयर कवरेज. अब कवरेज किस में, द गवर्नमेंट स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इट्स एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ वेरियस वेलफेयर मेजर्स टू एनरिच द कल्चरल लाइफ ऑफ द सोसाइटी. तो यहाँ पे अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेलफेयर मेजर्स. सो कवरेज ऑफ न्यू वेलफेयर फंक्शंस एंड अलॉन्ग विद दिस न्यू वेलफेयर प्रोग्राम्स वर डिज़ाइन टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द पीपल. अगेन ये मांग रहे हैं दैट इज़ सोशल सिक्योरिटी मांग रहे हैं, क्योंकि ये वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट इज़ एक्सटेंसिव फंक्शन. सो दिस रिक्वायर्स इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लो कॉस्ट हाउसिंग, सब्सिडाइज प्रोविजन ऑफ फूड, एग्रीकल्चर इनपुट, सो ओल्ड एज पेंशन, सिकनेस बेनिफिट एट्सेट्रा. तो ये चीज़ें आगे सब दैट इज़ वेलफेयर में, मतलब एक्सटेंसिव फंक्शन. तीसरा आता है इसमें एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ पब्लिक गुड. तो स्फीयर होता है मतलब एक जो एरिया है वो वाइड करना, तो जो एरिया है पब्लिक गुड्स का तीसरे में इन्होंने कहा वो वाइड होना चाहिए. अब इसमें क्या आता है, द स्टेट वॉज ट्राइंग टू शिफ्ट द कंजप्शन दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट मोर इन फेवर ऑफ पब्लिक गुड. तो पब्लिक गुड यहाँ पे प्रोवाइड होने चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू. सो एज अ रिजल्ट स्टेट एक्टिविटी एक्सपेंड टू एरिया लाइक इरीगेशन एंड फूड कंट्रोल प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स एंड प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल एट्सेट्रा. तो ये मतलब पब्लिक गुड्स का भी एक्सपेंशन करना चाहिए गवर्नमेंट ने. तो ये तीन थे यहाँ पे रीजन्स कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज होता है या पब्लिक एक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती हैं. सो अकॉर्डिंग टू हिम गवर्नमेंट प्ले द फॉलोइंग रोल्स. तो यहाँ पे गवर्नमेंट नंबर वन एक तो करती है प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़. ठीक है, वो सब गवर्नमेंट करती हैं, मतलब जो इंटरनल थोड़े वो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको भी सुलझाती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मीन्स जो एक्सटर्नल वॉर्स वगैरह हैं वो भी प्रोटेक्ट करते हैं पीपल को. दूसरा है प्रोवाइड सोशल सर्विसेज. तो ठीक है, गवर्नमेंट सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन वगैरह. एंड थर्ड वन है पार्टिसिपेशन इन मटेरियल प्रोडक्शन, और यहाँ पे प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन भी करती है, हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करके. एंड नेक्स्ट वन अदर फैक्टर्स. तो अदर फैक्टर इंक्लूड है जैसे
पॉपुलेशन इंक्रीजिंग लीड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना पड़ेगा। एंड सेकेंड वन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन की ग्रोथ जितनी बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और थर्ड है राइजिंग पब्लिक डेब्ट, उस नीड्स को पूरी करने के लिए अब हमें पब्लिक डेब्ट भी लेने पड़ेंगे, मतलब फॉरेन से लोन भी लेने पड़ेंगे। एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज मतलब जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि इनकम से, लोगों की इनकम से जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो होना चाहिए ज़्यादा, दैट इज़ मोर ग्रेटर देन वन। सो ड्यूरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस मोर देन पर कैपिटा आउटपुट, तो पर कैपिटा आउटपुट से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट प्ले बोथ रोल इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, तो ये हमने किए थे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, तो दोनों ही रोल यहाँ पे प्ले करती है। सो डिमांड फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर्स, तो अब ये यहाँ तीन चीज़ें हैं, मतलब तीन चीज़ें डिमांड में और तीन चीज़ें सप्लाई में, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो डिमांड फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर डिपेंड करती हैं नंबर वन अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड नंबर टू एज कंपोजिशन, एंड नंबर थ्री लेवल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़। तो अर्बनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा डिमांड उतनी बढ़ेगी, एज कंपोजिशन अगर एज स्ट्रक्चर है अपनी कंट्री में, जैसे दैट इज़ अगर हम बात करें 14 to 65 एज तक बहुत ज़्यादा है तो डिमांड काफ़ी है, सो इसलिए वो भी डिपेंड करती है। और तीसरा है लेवल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़, प्राइवेट सेक्टर जितना एक्सपेंड कर रहा है जितनी तेज़ी से, तो डिमांड भी उतनी इंक्रीज़ होगी पब्लिक एक्सपेंडिचर की। एंड थर्ड वन सप्लाई ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर डिपेंड अपॉन, अब यहाँ पे है सप्लाई, तो सप्लाई डिपेंड करता है नंबर वन चेंजिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, तो जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है गवर्नमेंट का वो मतलब लार्ज स्केल पे ही प्रोडक्शन करती है या फिर छोटे लेवल पे, एंड बी है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, सो क्वालिटी कैसी है होनी चाहिए, और थर्ड है इंटर गवर्नमेंट ग्रांट, सो इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है आइदर इट इज़ बिटवीन स्टेट और कंट्री, और आइदर इट इज़ बिटवीन दैट इज़ बिटवीन टू कंट्रीज़, तो या तो कंट्रीज़ के बीच में या फिर स्टेट्स के बीच में हो रहा है, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल ग्रांट्स। ओके नेक्स्ट वन थ्योरी इज पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस, तो अगर इन तीनों थ्योरीज में से सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो है ये वाली पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस, तो कम से कम इसमें से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखोगे या पेपर्स को देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन उनमें से जनरली यहाँ से मिलेगा आपको। सो दिस थ्योरी डेवलप्ड बाय पीकॉक एंड वाइसमैन इन दियर एम्पिरिकल स्टडी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन यूके फॉर द पीरियड ऑफ 1890 to 1955, तो यहाँ से कोई भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि ये सभी पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो यूके के ऑब्जर्वेशन है ये एम्पिरिकल स्टडी और पीरियड है 1890 to 1955, दैट इज 55। सो दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड इन 1890 और 1890s में ही ये थ्योरी डेवलप की थी, एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन वैगनर्स लॉ, तो अगेन वैगनर्स लॉ स्टेट मतलब वो कहते हैं इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी उसके ऊपर बेस्ड है। एंड पीकॉक एंड वाइसमैन एम्फसाइज द टाइम पैटर्न ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग ट्रेंड्स रेदर देन स्ट्रीविंग ऑफ फॉर अ जेन्युइन पॉजिटिव थ्योरी ऑफ पब्लिक सेक्टर ग्रोथ, तो मेन बात आपने क्या नोट करने वाली है, इन्होंने एम्फसाइज किया है टाइम पैटर्न ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग ट्रेंड, सो दैट इज टाइम पैटर्न ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग ट्रेंड मतलब टाइम टू टाइम जो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता रहता है। सो द मेन थेसिस ऑफ द ऑथर इज दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन अ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस मैनर बट इन अ जम्प्स एंड जर्क्स स्टेप लाइक फैशन, तो ये वाला पॉइंट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दो या तीन बार ये आ भी चुका है। इसमें ये कहता है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो इंक्रीज होता है जंप करके,
या फिर जर्क स्टाइल में, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब एक स्मूथ नहीं रहता, सो स्मूथ नहीं रहता बल्कि एक जंप और जर्क स्टाइल में ऊपर नीचे होता रहता है, लाइक फैशन। एंड दे ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को उन्होंने ऑब्जर्व किया, मतलब यूके के। सो पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस, द टाइम पैटर्न ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, मतलब यही इसी पे एम्फसाइज किया है। और अब ये इंपॉर्टेंट है, पीकॉक वाइसमैन गेव थ्री सेपरेट इफेक्ट। नंबर वन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, नंबर टू इंस्पेक्शन इफेक्ट, एंड नंबर थ्री कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। तो ये तीनों ही पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सो नंबर वन है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहें कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि भाई पहले गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लो कर रही थी, कम टैक्सेस लो कम कर रही थी, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कम ही कर रही थी, तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था वो भी कम ही कर रही थी, मतलब थोड़ा कम कर रही थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस कर दिए, बढ़ा दिए। टैक्सेस बढ़ाने के साथ साथ जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था, मतलब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था वो भी कर दिए इंक्रीज। तो मतलब क्या हुआ कि टैक्सेस के बढ़ने के साथ साथ तो जितना आपका सेक्रीफाइस हुआ उतना ही बेनिफिट भी हो गया, तो अगेन पीपल्स को क्या है, सेटिस्फैक्शन लेवल बराबरी रही। तो यहाँ पे सो प्रीवियस लोअर रेट ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर आर रिप्लेस्ड बाई न्यू एंड हायर लेवल ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। तो जो प्रीवियस टैक्सेस और एक्सपेंडिचर थे वो क्या थे, थोड़ा कम थे, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी और टैक्सेस भी, उसको अब रिप्लेस कर दिया है न्यू टैक्सेस और न्यू एक्सपेंडिचर में। सो आफ्टर हैवी पब्लिक एक्सपेंडिचर पीपल रेडी टू पे हायर टैक्सेस। अब देखो एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, मतलब इनकम बढ़ी, हाई इनकम बढ़ने के साथ साथ लोग तैयार हो गए हाई टैक्सेस देने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड वन इंस्पेक्शन इफेक्ट। अब देखो इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना, मतलब किसी चीज़ की दोबारा जांच बीच करना। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज़ वॉर एंड अदर सोशल डिस्टर्बेंसेस दैट फ्रिक्वेंटली फोर्सेस पीपल एंड देयर गवर्नमेंट टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स विच प्रीवियसली निग्लेक्टेड। मतलब जो वॉर हुए या फिर अदर प्रॉब्लम्स हुई इकोनॉमी में, मतलब सोशल डिस्टर्बेंसेस जो पहले निग्लेक्ट कर दिए गए थे, अब यहाँ पे गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, दोबारा उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेगी। तो जो भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है सोल्यूशंस पे, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, फाइंड आउट द सोल्यूशंस ऑफ दैट इज़ वॉर या फिर अदर सोशल प्रॉब्लम्स जो हमने निग्लेक्ट की थी पहले। तो पहले मे भी हो सकता है इनकम कम थी, तो अब क्या है, इनकम भी ज़्यादा है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर अब बढ़ना चाहिए। तो लाइक एक एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, 1962 में, यहाँ पे 1962 और 1965 में वॉर हुए चाइना से और पाकिस्तान से, तब इंडिया के पास यहाँ पे इतने इक्विपमेंट भी नहीं थे। लेकिन अब तो जो हम चाइना से हारे हैं उसका मेन रीज़न क्या था यहाँ पे, कि हमने कुछ चीज़ें निग्लेक्ट की थी। सो अब क्या है, वही चीज़ें हमने उनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, तो जो खर्चा हो रहा है अपना डिफेंस पे इस बार काफ़ी खर्चा हो रहा है, तो इसलिए जो हमने पहले चीज़ें निग्लेक्ट की थी अब हम वो निकाल रहे हैं, दैट इज़ सोल्यूशन। सो अब गवर्नमेंट का यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ इंस्पेक्शन इफेक्ट। और थर्ड वन है कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। अब ये कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन करो पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जो सेंटर का पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए अदर देन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की, सो दैट व्हेन एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज़ अ टेंडेंसी होती है उसकी, दी सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू ग्रो फास्टर रेट देन द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो तो होनी चाहिए ज़्यादा रेट से इंक्रीज रेदर देन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की स्पीड से, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। एंड देर आर कॉन्स्टेंट एंड सिस्टमेटिक एक्सपेंशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में कॉन्स्टेंट और सिस्टमेटिक
ग्रोथ एक्सपेंशन होनी चाहिए, एंड दिस अकर्स बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू इनिशिएट अ नंबर ऑफ मेजर्स टू सस्टेन हायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लेती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर हम आज का टाइम देखें तो जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो कोई भी है यहाँ पे स्कीम्स, तो वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सपेंड करती हैं। एंड थर्ड वन इज कॉलिन क्लार्क हाइपोथेसिस। तो अगर हम इस थ्योरी का कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन इसका ये है, तो अगर वही चीज़ समझ लें हम, कंक्लूजन इसका यही है कि अगर एक इकोनॉमी 25% तक इन्वेस्टमेंट करती है तो वो है उसका मैक्सिमम लिमिट, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करेगी तो वहाँ पे आ जाएगा इन्फ्लेशन। तो उसी को इन्होंने बोला है क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस। बस पूरी थ्योरी में ये यही बात कहेगा, दैट इज क्रिटिकल लिमिट की बात। सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस, एंड दिस हाइपोथेसिस कंसर्न विद द टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन। तो एक टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है हम बात करेंगे अभी। सो ही टुक द डाटा फ्रॉम सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ से ये डाटा लिया, एंड इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन 25% देन इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 25% से ज़्यादा हो गया तो ये लेके आएगा यहाँ पे इन्फ्लेशन, मेन रीज़न है इसका ये। एंड सो द लिमिट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, जो शेयर है या गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं, शुड बी 25%, 25% तक होना चाहिए मैक्सिमम। सो इफ द एग्रीगेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिचेज 25% देन पीपल प्रोड्यूसेस लेस देन बिफोर। तो पीपल प्रोड्यूस करेंगे कम पहले से, और अब इस लेवल पे क्या है, पीपल प्रोड्यूस लेस प्रोड्यूस करेंगे तो जो उनकी यहाँ पे अर्निंग है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वो टैक्स पे करेंगे, वो टैक्स पे करेंगे ये वाला द टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन, मतलब उस टैक्स को। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ने के साथ साथ गवर्नमेंट टैक्स भी इम्पोज करेगी, तो टैक्स इम्पोज करेगी तो वो वाला टैक्स है टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन, जहाँ पे लोग टॉलरेट कर रहे हैं उसको। एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर विल रिड्यूस अग्रीगेट सप्लाई। तो इन्फ्लेशन आने से यहाँ पे अग्रीगेट सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, एंड व्हेन टैक्स कलेक्शन बाय गवर्नमेंट एक्सीड द क्रिटिकल लिमिट ऑफ 25% ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दैट इज़ जो टैक्स कलेक्शन है, दैट इज़ टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट का, एक्सीड्स द क्रिटिकल लिमिट ऑफ 25%, मतलब GDP का 25% तक, अगर वो भी यहाँ पे इस लेवल पे क्रॉस हो जाएगा जब इन्फ्लेशन के टाइम में, मतलब क्रिटिकल मिनिमम, जहाँ पे क्रिटिकल लिमिट है, तो वहीं पे उस पॉइंट को हम बोलेंगे दैट इज़ मैक्सिमम टॉलरेंस टैक्सेशन। सो पीपल आर बैडली अफेक्टेड एंड रिड्यूस इंसेंटिव। तो पीपल को यहाँ पे नुकसान होगा और जो इंसेंटिव है उनको, इंसेंटिव भी उनका रिड्यूस हो जाएगा। तो इन इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन का, सो इट विल रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी एंड सप्लाई। तो अगर इंसेंटिव ही नहीं होगा मतलब प्रोड्यूस करने का, तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी और सप्लाई भी कम हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड टैक्सेशन बियॉन्ड टॉलरेंस लेवल। तो इसको ये भी कहते हैं हम टॉलरेंस, मतलब टैक्सेशन बियॉन्ड टॉलरेंस लेवल। तो कुल मिला के ये थ्योरी है यहाँ पे कॉलिन क्लार्क की। सो अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक 2, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट प्रिंसिपल, सेक्रीफाइस प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे थ्योरी और लेफर कर्व एनालाइजिस। तो ये वीडियो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।